स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विच इज़ एक्वायर 1-2-3। सो टुडे वी विल स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक दैट इज़ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो यहाँ पे मेल में 3 एसेसरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। पहली है सेमिनल वेसिकल, ये 1 पेयर होती हैं। देन प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सिंगल होती है। और कॉपर्स ग्लैंड, जिसे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं, ये भी 1 पेयर होती है। सो मेल में 2 टेस्टिस होते हैं, और ये जो टेस्टिस होते हैं एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में बंद होते हैं, जिन्हें कहते हैं स्क्रॉटम, जिसे कहते हैं स्क्रॉटम। तो ये है, आपको दिख रहा है, इट इज़ एपिडिडाइमिस, ये एपिडिडाइमिस है। और ये वास डिफरेंस है, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। वास डिफरेंस से होकर के ये होती है सेमिनल वेसिकल। और सेमिनल वेसिकल की जो डक्ट होती है, इसे कहते हैं सेमिनल डक्ट। और जब ये सेमिनल डक्ट वास डिफरेंस से जुड़ती है, तो ये कॉमन डक्ट बन जाती है, इसे कहते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट। देन ये इजैक्यूलेटरी डक्ट के बाद ये सिंगल ग्लैंड आपको दिख रही है, इसको कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, सिंगल लार्ज ग्लैंड। अब ये दो, आपको इसके नीचे एक और ग्लैंड होती है दो, जिन्हें कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या इसे कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। ये जो कॉमन पैसेज है, इसको कह रहे हैं यूरेथ्रा। ये कॉमन पैसेज है जहाँ से यूरिन और सीमन दोनों ही पास करते हैं, फ्लो करते हैं। तो ये आपको दिख रहा है कॉमन पैसेज। और यहाँ पे आपको दिखेगा ये पेनिस। पेनिस एक मेल कॉप्यूलेटरी ऑर्गन है, और यहाँ पर 2 इरेक्टाइल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। और ये है ग्लांस पेनिस, जो कवर्ड होता है एक फोल्ड, स्किन की फोल्डिंग से, जिसे कहते हैं फोर स्किन। तो ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये आप नीचे देख सकते हैं इसका पूरा व्यू, ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये है पेनिस, और ये है स्क्रॉटम, और स्क्रॉटम के अंदर है टेस्टीज। ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, जैसा आपको दिख रहा है, स्क्रॉटम है और ये टेस्टीज है। और ये पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये आपको सेमिनल वेसिकल दिख रही है यहाँ पे, ये आपको सिंगल में दिख रही है प्रोस्टेट ग्लैंड, और ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे एक और ग्लैंड है, इसे कह रहे हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। और ये कॉमन पैसेज है, जिसे कह रहे हैं यूरेथ्रा। और ये है यूरिनरी ब्लैडर, जिसके अराउंड वास डिफरेंस आ रही है, देख रहे हैं आप। सो चलिए स्टूडेंट्स, कुछ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड एमसीक्यूज करते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू है, इन मोस्ट मैमल्स द टेस्टिस आर लोकेटेड इन अ स्क्रॉटल सैक फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस इज अ प्रोसेस फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, टेम्परेचर ऑफ स्क्रॉटम विच इज़ नेसेसरी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ टेस्टिस इज ऑलवेज अराउंड 2 degrees Celsius, 2 to 3 degrees Celsius भी बोल सकते हैं, पर ऑप्शन में 2 degrees Celsius दे रखा है, बिलो बॉडी टेम्परेचर। थर्ड, द गिवन फिगर शोज अ डायग्रामेटिक स्केच ऑफ पोर्शन ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो यहाँ पे ABCD ऑप्शन दे रखे हैं, तो जो सही है, ए इज़ अ वास डिफरेंस, बी इज़ द सेमिनल वेसिकल, सी इज़ द प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड डी इज द बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। सो राइट आंसर इज ए, ऑप्शन ए। फोर्थ वन, दिस इज ऑल्सो अ डायग्राम या सेक्शनल व्यू ऑफ फ्यू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का आपका एक सेक्शन काटा हुआ है, तो यहाँ पे ये आपको दे रखे हैं ऑप्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ए इज़ द सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स को नट सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रिशन देती है स्पर्म को। स्पर्मेटोगोनिया, बी इज़ द स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया इज ऑल्सो अ सेल विच इज डिप्लॉयड सेल, एंड सी इज इंटरस्टीशियल सेल विच इज प्रेजेंट इन अ इंटरस्टीशियल स्पेस, एंड डी आर द स्पर्म्स। राइट आंसर इज डी, ऑप्शन डी। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द मैमेलियन टेस्टिस। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, सर्टोरी सेल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स आर द सेल्स विच
विच प्रोड्यूस द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन. नेक्स्ट वन इज सिक्स, द न्यूट्रिटिव सेल्स फाउंड इन सेमिनिफेरस टिब्यूल्स आर. ऑप्शन सी इज करेक्ट, सर्टोली सेल्स. अभी मैंने आपको बताया कि सर्टोली सेल्स को नर्स सेल्स भी कहते हैं क्योंकि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है स्पर्म को. नेक्स्ट सेवन, सर्टोली सेल्स आर रेगुलेटेड बाय द पिट्यूटरी हार्मोन नोन एज FSH. FSH को कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है देन सर्टोली सेल्स एक्टिवेट होती है एंड देन सर्टोली सेल्स क्या करती हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करती हैं. सो एट्थ ऑप्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट. एट्थ क्वेश्चन देखिए, इफ फॉर सम रीजन द वास इफरेंसिया इन द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम गेट ब्लॉक्ड द गैमिट्स विल नॉट बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम. सो आपको पता है वास इफरेंसिया, अगर वास इफरेंसिया वास इफरेंसिया ब्लॉक हो जाएगी तो होगा क्या, गैमिट कहाँ से, टेस्टिस से निकलेंगे पर टेस्टिस से एपिडिडाइमिस तक नहीं जा पाएंगे. तो टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस, ऑप्शन ए इज करेक्ट. नाइन क्वेश्चन इज, दिस इज ऑल्सो अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. सो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी सेकेंड एंड फोर्थ. ये जो सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन है कि बी सिक्रीट अ फ्लूइड दैट हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, बी इंडिकेट करेगा यहाँ पे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को. और फोर्थ है सी स्टोर द स्पर्म, तो फोर्थ इंडिकेट करेगा यहाँ पे एपिडिडाइमिस, क्योंकि एपिडिडाइमिस में जो स्पर्म होते हैं वो स्टोर होते हैं. ठीक है, तो ये देखिए ये जो डायग्राम है यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वो इंडिकेट कर रहा है वास डिफरेंस को, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर अराइज फ्रॉम द एपिडिडाइमिस, वो भी कॉर्डल एपिडिडाइमिस से. ठीक है, बी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, सी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है एपिडिडाइमिस कैपुट एपिडिडाइमिस, एंड डी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं टेस्टिस. तो इस डायग्राम से हम देख सकते हैं. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे रही है MCQ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड. सो अगली वीडियोस के लिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए. सो थैंक यू स्टूडेंट्स.